हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर कोर्स। आज हम जानेंगे एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे EWS एंड DZ क्या होता है और ये कौन कैसे कैसे भरते हैं, इनको फॉर्म भरने के लिए किस किस समय डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और इन फॉर्म को हम कैटेगरी वाइज किस तरह से फिलअप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं EWS और DG। हमारे पास यहाँ पर दो होते हैं। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज की, तो इसके अंदर जो है जनरल कैटेगरी वाले फॉर्म भरते हैं या फिर वो लोग भरते हैं जिनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। तो इसके अंदर जो है जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, वो लोग इस फॉर्म को भरते हैं। हालांकि शेड्यूल कास्ट वाले भी, OBC वाले भी, वो भी 1 लाख रुपए से आय कम होगी वही भरते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, EWS को वो लोग फॉर्म भरते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं DG। DG का मतलब होता है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। जो लोग SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं या फिर OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो लोग DG फॉर्म को चूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, इनके लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको ज़रूरत है बच्चे का एक आधार कार्ड चाहिए, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के माता पिता का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, और आय आपकी 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर OBC सर्टिफिकेट की, कैटेगरी की। तो इसके लिए हमें जो चाहिए होता है बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे के माता पिता का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र यानी कि OBC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, और उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी SC एंड ST कैटेगरी की। इसके अंदर भी हमें यही सब रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इसकी आय भी 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। SC ST के अंदर इसमें हमें इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, मगर आपके पास SC और ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन फॉर्म को किस तरह से फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। इस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम इसकी वेबसाइट डालते हैं, जो कि वेबसाइट है EduDel, EDUDEL। डालने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा नीचे, EWS DG एडमिशन। मैंने आपको कहा था EWS जनरल कैटेगरी वाले भरते हैं और बाकी SC ST OBC वाले DG का चूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल तो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, क्लिक करते हैं, हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम इस चीज़ को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करें, यदि आपको शुरू से नए तरीके से करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी फॉर्म भरने की। तो यहां पर सबसे पहले जो ये कहता है, पहले हम इसकी चेतावनी वार्निंग पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच जांच के समय कोई भी अंतर पाया जाता तो ऐसी स्थिति में दाखिल नहीं किया जाएगा, कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि आपके डॉक्यूमेंट कोई गलत होता है, गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं आप, तो वो फॉर्म बाद में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम चूज़ कर लेते हैं सेलेक्ट क्लास, आपको किस क्लास में लेना है, नर्सरी प्री स्कूल, KG प्री प्राइमरी या क्लास फर्स्ट। तो यहाँ पर जो है मुझे जो ज़रूरत है वो है क्लास फर्स्ट की, क्योंकि मैं जिसका फॉर्म भरूँगा या वो क्लास फर्स्ट के लिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछता है फर्स्ट नेम यानी कि बच्चे का नाम क्या है, तो बच्चे का नाम है यहाँ पर कबीर, कबीर, तो मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। कबीर के बाद पूछता है मिडिल नेम, लास्ट नेम, यदि आपके पास है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, मेरे पास नहीं है नहीं डालता। यहाँ पर अभी कहता है मोबाइल नंबर डालिए, तो इसका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर मैं वो फिलअप करता हूँ। इसका मोबाइल नंबर है आपका 8743820725, ये इसका मोबाइल नंबर जो मैंने डाल दिया।
इसके बाद कहता है ईमेल आईडी, यदि आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी डालना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ अपनी, गगन चौधरी 753@gmail.com। अब यहाँ पर जेंडर पूछता है, जेंडर में मेल फीमेल जो भी होगा डाल देंगे, यहाँ पर मेल है तो मेल पर क्लिक करता हूँ। अब ये पूछता है यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है मुझे यहाँ पर वो फिलअप करनी है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 तारीख 12वां महीना 2011, यानी कि 11 तारीख 12वां महीना, सॉरी 12वां और यहाँ पे 2011, इसको मैं फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो है ये पूछता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपके पास क्या है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, आपके पास जो भी है वो ले लेंगे। मेरे पास जो यहाँ पर है बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद पूछता है एनुअल इनकम दीजिए, कितनी इनकम है आपकी वार्षिक, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 85,000। डालने के बाद अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है EWS, एक आता है DG। यदि आप जनरल कैटेगरी से तो आप इस पर EWS पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पूछता है प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमिक, आपकी जो वो है प्रूफ है क्या है, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए मैंने कहा था, तो इनकम सर्टिफिकेट को डाल देंगे। अब यहाँ पे ये पूछता है ये अगर आप इशू करवा चुके हैं आपके पास आ चुका तो इशू, यदि आपने अप्लाइड करवाया तो अप्लाइड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर मान लो इशू हो चुका तो मैं इशू पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे पूछता है इशू सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट नंबर है आप उसे भर देंगे। और यहाँ पर पूछता है इशू सर्टिफिकेट डेट, जिस डेट को आपका इशू है वो डेट डाल देंगे। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे पास जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ ये एससी कैटेगरी से आता है, तो यहाँ पर मैं डीजी पे क्लिक करता हूँ। दोनों का सेम प्रोसीजर वही है, बस ईडब्ल्यूएस और डीजी में ही चूज़ करना। तो डीजी जब मैं चूज़ करता हूँ तो ये पूछता है टाइप ऑफ डीजी, तो यहाँ पर जो है वो एससी कैटेगरी का, मैं एससी कैटेगरी डाल देता हूँ। अब पूछता है प्रूफ ऑफ डीजी प्रमाण पत्र क्या है, तो यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट हैगा, तो मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद ये पूछता है क्या इशू हो चुका है या अप्लाई किया है, तो मेरा इशू हो चुका है ये, तो मैं इशू पे क्लिक करता हूँ। इशू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछता है इशू सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो वो है सर्टिफिकेट नंबर वो क्या है, आप उसको डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं सर्टिफिकेट को डाल देता हूँ, उसका नंबर है 9051123421209 2। ये जो है एससी सर्टिफिकेट नंबर है। अब ये पूछता है कितनी तारीख को इशू हुआ है, तो ये जो बनाता है इसका बनाता है आपका 15 तारीख 2वां महीना 2017। ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर, क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यस बिल्कुल 9051, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 2122092, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर कर देता हूँ। रजिस्टर करने के बाद ये पूछता है क्या आप तैयार हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं। यदि आप से यदि आप इसे ओके कर देते हो तो आप बाद में इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो मेरा सब कुछ ठीक है तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। आप इस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं पर टाइप कर लीजिए, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ इसको, वो है मेरा 2018-0060-736, ये इसका पासवर्ड है TLL7313ZU, ये जो है इसका पासवर्ड है। तो मैं जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे पूछता है रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था मैं उसको टाइप करता हूँ, वो था मेरा 2018-0060
736 ये जो था मेरा नंबर था। अब यहाँ पर कहता है पासवर्ड डालना है, जो मेरा पासवर्ड था मैं जो उसको डाल देता हूँ, जो मैं इसको डाल देता हूँ पासवर्ड डालने के लिए, इसका जो पासवर्ड है वो है TLL7313GU। डालने के बाद मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने कुछ इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाएगा हमारा पासवर्ड डालने के बाद। तो यहाँ पर जो जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछता है वो आप फिलअप कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले पूछता है यहाँ पर जो हमारा जो हमने फिलअप किया था बच्चे का नाम सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर आपसे पूछता है आपको ये इन सबको भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप भरना चाहो तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दे सकते हो बच्चे का। तो यहाँ पर मेरे पास है इसका आधार नंबर, तो मैं उसको डाल देता हूँ। तो वो है इसका आधार नंबर 5664584777955। तो ये इसका जो है आधार कार्ड नंबर है। अब इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे पूछता है आधार इनरोलमेंट नंबर। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड की स्लिप का इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नीचे। ये पूछता है मदर नेम, मदर नेम क्या है। तो यहाँ पे जो मदर नेम है वो है विनीता, तो मैं वो टाइप कर देता हूँ। मदर नेम के बाद पूछता है ये मोबाइल नंबर क्या है उनका, तो उनका जो मोबाइल नंबर है वो है, मैं उसको टाइप कर देता हूँ, जैसे कि 8743820725। ये मोबाइल नंबर है 725। साथ कुछ प्रॉब्लम है इसमें, मैं दोबारा से चेक करता हूँ। 8743820725 ये जो इसका मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पे पूछता है मदर का आधार नंबर का, डालिए जी। अब मुझे इनका आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा इसके अंदर, इनकी मदर का। तो वो है आधार कार्ड नंबर 8486411044046। ये मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। अब ये पूछता है सेलेक्ट प्रोफेशन क्या है मदर का, तो जाहिर सी बात है जो अगर आपका गवर्नमेंट सर्विस जैसा भी हो डाल दोगे, ये जो हाउस वाइफ है तो मैं हाउस वाइफ चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद फादर नेम, फादर नेम जो है वो है ललित कुमार, ललित कुमार टाइप कर देता हूँ। इसके बाद फादर का मोबाइल नंबर जो ऊपर था मैं वही डाल देता हूँ, 8743820725। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब फादर का आधार कार्ड नंबर पूछता है तो हम वो डाल देता हूँ, 8 सेलेक्ट प्रोफेशन, जो भी काम करते हैं आप उस काम को डाल सकते हैं, जैसे प्राइवेट जॉब, अदर बिजनेस जो भी होगा आप डाल सकते हैं। इनकी जो है प्राइवेट जॉब है तो मैं प्राइवेट जॉब डाल देता हूँ। अब यहाँ पर जो लास्ट पूछता है गार्डियंस नेम, तो हमें ज़रूरत नहीं इसको, हम छोड़ देते हैं। अब हम अपना नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर ये पूछता है एड्रेस, एड्रेस जो है हमारा रेजिडेंट वो एड्रेस डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं एक्स डालता हूँ, एक्स 1/2 B कृष्णा गली नंबर 5। ये देखिए मैंने डाल दिया, और आगे ब्रह्मपुरी ये मैंने डाल दिया। यहाँ पर ये पूछता है पिन कोड, तो यहाँ पर मैं पिन कोड डाल देता हूँ इसका, डाल दिया।
यहाँ पर ये पूछता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, आप किस, आपके असेंबली जो है क्या आती है इसमें, आदर्श नगर, अंबेडकर नगर, कौन सी है? यहाँ पर जो है वो है हमारी यहाँ गोंडा पड़ती है, तो मैं गोंडा पे टाइप कर देता हूँ। गोंडा टाइप करने के बाद आता है एक ऑप्शन और यहाँ पर, रेसिडेंट एरिया, आपका एरिया इसमें कौन सा पड़ता है, तो वो यहाँ पर पड़ता है सादरा नॉर्थ गोंडा ब्लॉक सी, तो यहाँ पर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद यहाँ पर पूछता है प्रूफ ऑफ पेरेंट्स रेसिडेंट एड्रेस, क्या प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस आपके पास क्या प्रूफ है, जैसे कि राशन कार्ड, डोमिसाइल, वोटर आईडी कार्ड, जो भी हो। तो यहाँ पर जो है ये आपका वोटर आईडी कार्ड है, तो मैं वोटर आईडी कार्ड पर चूज़ कर देता हूँ। इसके बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू पर क्लिक करने का देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, आप देखेंगे जो आपने डिटेल सारी भरी थी वो सामने आ गई है, और आप नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आप इसे सबमिट कर सकते हैं, बैक जाना चाहे तो बैक जा सकते हैं। मैं जो है सबमिट करना चाहता हूँ, सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने का यहाँ पर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए आपका जो है इसने दिया इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल सबमिटेड, यू कैन नॉट चेंज एनी इन्फॉर्मेशन स्टेप वन एंड टू। अब जो है आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, वो सबमिट हो चुके हैं। अब हम स्टेप करते हैं सेकंड, सेकंड मैं कहता है 01, अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। 01 का मतलब है यहाँ पर ये आपके सामने आपके घर से लेके 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल हैं वो इसने यहाँ पर शो कर दिए, यानी कि 01 1 किलोमीटर के दायरे में। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि जितने भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कम से कम 5-6 स्कूल, तो ये आपके ये विजय पार्क, इस तरह से आप जो है अपने स्कूलों को चूज़ कर सकते हैं। ये एक ही आ गया आपका, जो आपके नज़दीक में हो, पास में, आप उन स्कूलों को चूज कर सकते हैं आसानी से। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल ये मौजपुर में है, पूरी गली मौजपुर दिल्ली, और जो जो आपको लगे वो आप ले सकते हैं। मोहनपुरी ज़्यादा है, विजय पार्क ये हो गया। यहाँ पर जो दिखा हुए नंबर, इन नंबरों का मतलब है इन स्कूलों में इतनी इतनी सीट खाली हुई हैं अभी। ये लो जी, एक ये कर दिया मैंने, तो जो मैंने करे हैं ये कर दिए आपके। नीचे देखता हूँ मैंने कितने स्कूल कर दिए अब तक, ये सारे स्कूल, काफ़ी सारे स्कूल हैं, ये मैंने अब तक 6 स्कूल करे हुए हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 और ले देता हूँ इसमें, तो वो है यमुना बिहार एक, ये स्कूल ले देता हूँ, 1 किलोमीटर दूरी के दायरे में है सारे मेरे घर से, इस घर से ये जो मैंने फॉर्म भरा, होली होम, प्रकाश नगर दिल्ली 11-53, भजनपुरा, हैप्पी टाइम, रामपल मेमोरियल, भजनपुरा, विजय पार्क, ये मैंने ये भी ले देता हूँ एक, यानी कि जो है मेरे स्कूल जो हो गए वो हो चुके हैं मेरे 7 में से। मैं नव आदर्श पब्लिक स्कूल, ये भगत सिंह कॉलोनी, भगत बिहार नहीं, यानी कि जो है एक कालिंदी बाल विद्यालय एक ये ले लेता हूँ। कुल मिला के जो मैंने स्कूल ले लिए वो ले दिए हैं, देखिए यहाँ पर मैंने जो है 8 स्कूल ले लिए, अगर और लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन इसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम सबमिट करने के बाद स्टेप 3 पर, इस पर क्लिक करते हैं। स्टेप 3 पे आने के बाद यहाँ पर आपको ये दिखाता है कि अब आपको 1 से 3 किलोमीटर तक दूरी के स्कूल तय करने हैं, वो कौन कौन से स्कूल हैं। तो देखिए अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो करिए, नहीं चाहते तो इस पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि अब नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ तो कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी और स्कूल लेना, तो मैं ये कर देता हूँ। एक ये है, न्यू उस्मानपुर, एक ये है,
और अरविंद पब्लिक स्कूल दुर्गापुरी, जितने भी आप लेना चाहो ले सकते हो अपने हिसाब से। एक ये है आपका विद्या, ये ले देता हूँ मैं। ये चीज़ आपको अपने हिसाब से चूज़ करनी है, जिस जिसमें आप लेना चाहते हो, चाहो तो आप सारे भर दीजिए। अनु पब्लिक बस इतने स्कूल में लेना चाहता हूँ, अब ज़्यादा लेना नहीं चाहता। इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। मैंने तीन स्कूल यहाँ पर ले दिए। सबमिट करने के बाद मैं भरता हूँ नेक्स्ट स्टेप, फोर स्टेप का। इस पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर फिर काफ़ी सारे स्कूल आते हैं, ये लेकिन जो ये स्कूल आते हैं ये आपके घर से 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के दायरे में है। यदि आप ये आप देखिए स्कूल खुल के आ गए सारे, जो भी आप लेना चाहें इसमें से ले सकते हैं। मैं जो है इसमें से वैसे नहीं लेना चाहता, एक ले लेता हूँ ये वाला, और एक ले लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ कृष्णा नगर, ये दो स्कूल ले लेता हूँ बस, ज़्यादा मुझे नहीं लेने, काफ़ी दूर है इस बारे में इनको नहीं लेता। ये सब लेने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यदि आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ, मुझे नहीं हटाना। सबमिट करने के बाद ये देखिए अब है फिफ्थ स्टेप। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ जाने के बाद इसके अंदर फिर से स्कूल खुल जाएंगे आपके। ये देखिए 6 किलोमीटर से ऊपर दायरे में स्कूल जितने भी हैं आपके सारे आ गए, जितने भी स्कूल हैं आपके। आप चाहो तो यहाँ से भी ये रहे सारे स्कूल, लेना चाहो तो आप इनको ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लेना। नहीं लेना तो सीधी बात है, सिंपल कहता, नहीं चाहिए स्कूल तो आप क्लिक हेयर पर क्लिक कर दीजिए। बस क्लिक करने के बाद अपने आप नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। ये देखिए इसमें आ गया इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल सबमिटेड, इफ़ यू वांट टू एडिट द चॉइस ऑफ स्कूल देन गो बैक टू स्टेप 5, अदरवाइज गो टू स्टेप 6। यदि आप कुछ और चॉइस कर लेना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं और स्कूल एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आप बैक जाइए फिफ्थ पर, और नहीं चाहते आप इतना ही चाहते हैं तो आप स्टेप 5 पर जाइए और फाइनल पर ओके कर दीजिए क्लिक। ये देखिए जैसे क्लिक करा ये मेरा फॉर्म आ चुका है, ये देखिए ये मेरा फॉर्म फिलअप हो गया। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से एडमिशन के फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम फाइनल सबमिट कर देंगे। ये देखिए जो जो हमने स्कूल चूज़ करे थे वो सारे आ गए हमारे। यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ, करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए जो मेरे स्कूल थे वो सारे हो गए। तो इस तरह से हम अपने एडमिशन के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। EWS एंड DZ दोनों का सेम प्रोसेस है भैया, बस हमें EWS और DZ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें किस किस की आवश्यकता है किसकी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।